राम राम जी दोस्तों। तो चलिए आज अपन लोग जर्नी करते हैं अपने अयोध्या धाम जंक्शन से। कि वेलकम बैक हो गया आपका विशाल ब्लॉग जर्नल चैनल पर। दोस्तों ये रहा अयोध्या धाम जंक्शन और गाड़ी आने वाली है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग चल रहे हैं आज अपनी 114234 अपनी सरयू एक्सप्रेस में, जो कि मनकापुर से अपने प्रयागराज संगम तक चलती है गाड़ी अपनी, ठीक है। बाकी ट्रेन की डिटेल आपको कंटिन्यू जर्नी में बताते रहेंगे। बाकी चलिए, गाड़ी यहाँ पर आने का समय था 3:38 और 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर गाड़ी का। गाड़ी नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो ये अयोध्या स्टेशन का मॉडल है भाई। कुछ ऐसा दिखता है अपना अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन भाई। तो उसको अपनी गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। यहाँ से ATVM मशीन से लेते हैं भाई टिकट अपना। तो ये है अपना अयोध्या धाम जंक्शन, देख सकते हो भाई सब लोग सारे पड़े हैं भाई। कृपया ध्यान दीजिए, दोस्तों अपनी गाड़ी अराइव कर रही है 1-2 नंबर प्लेटफॉर्म पे भाई साहब। इसे लगा है भाई और पूरा जनरल खाली है दोस्तों आगे ही। तो जनरल खाली है भाई, निकलते हैं डिपार करते हैं। बाकी बात करें अयोध्या जंक्शन के बारे में, तो यहाँ 63 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं और रीजेंट और 2 ट्रेन टर्मिनेट करते हैं अपने अयोध्या धाम जंक्शन से। और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है अकबरपुर की तरफ और एक लाइन अयोध्या कैंट की तरफ और एक अपनी लाइन मनकापुर की तरफ, ठीक है। बाकी चलिए आपको मिलते हैं डिपार्चर पर। बाकी हम लोग डिपार्ट हो चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन का। काफ़ी अच्छा और नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है भाई, मेंटेन करके रखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अयोध्या धाम जंक्शन भाई निकल चुके हैं। बात करें अपनी इस सरयू एक्सप्रेस के बारे में, तो इसका ट्रेन नंबर था 14234 और बाकी ये गाड़ी लगभग मनकापुर से रोज़ सुबह 2:50 में निकलती है और आपको सुबह ही सुबह 5 घंटे 35 मिनट करने जर्नी करने के बाद पहुंचा देगी आपको प्रयागराज संगम, ठीक है। और जिसमें टोटल गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी 199 किलोमीटर और साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ गाड़ी चलेगी। मैक्स इसका 110 होगा। और बाकी इस गाड़ी का कोच कॉम्पिटिशन के बारे में बात करूँ, तो भाई गाड़ी 10 जनरल क्लास के कोचेज के साथ चलेगी और एक अपना चेयर कार, और वो भी एसी चेयर कार होने वाला है, और बाकी 2 अपने SLR। टोटल 14 कोचेज के साथ गाड़ी चलती है और गाड़ी रेट शेयर करती है अपने लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस बनकर प्रयागराज संगम से, ठीक है। बाकी चलिए आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट हॉल्ट अयोध्या कैंट में। इसका फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था 1 नवंबर 1972 में और काफ़ी पुरानी गाड़ी है सरयू एक्सप्रेस। दोस्तों इस जर्नी में हम लोग मतलब थोड़ा बहुत बड़े बड़े स्टेशन ही कवर करेंगे और छोटे छोटे थोड़ा स्किप कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी पहुंच चुकी है अयोध्या कैंट और उस तरफ आया भाई प्लेटफॉर्म। यहाँ पर गाड़ी का आने का समय था लगभग 4:02 और यहाँ पर इसका डिपार्चर का समय है 4:07। तो गाड़ी आई है यहाँ पर 4:10 पे और 4:15 को निकलेगी, तो भाई लगभग 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। और यहाँ तक 44 किलोमीटर कवर कर लिया। बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज की तरफ और एक लाइन अपनी बाराबंकी जंक्शन की तरफ जाती है, बाकी ठीक है। स्टेशन के बारे में, तो स्टेशन कोड है AYC और यहाँ टोटल 66 ट्रेनें हॉल्ट करती है। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 12 ट्रेन ओरिजिनेट और 12 ट्रेन टर्मिनेट करती है अपने कैंट रेलवे स्टेशन से, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट हॉल्ट सुल्तानपुर के पास, बिकॉज
छोटे छोटे हॉल्स पे कवर करते जाएगी, तो मेन मेन स्टेशन हम लोग कवर करते हैं, बाकी ब्लॉक को छोटा रखते हैं और इन्फॉर्मेटिव रखते हैं, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं, और मिलते हैं डिपार्चर के बाद सुल्तानपुर में। तो गाड़ी डिपार्ट हो चुके हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन को, और यहाँ अपना लखनऊ शेड का नवाबी लखनऊ का WDM 3A। पहुंच चुकी है सुल्तानपुर जंक्शन स्टेशन, कोड SLN, और बाकी टोटल यहाँ पर 103 किलोमीटर गाड़ी कवर कर चुकी है अपनी सरीवे एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों यहाँ पर लगभग 72 ट्रेनें और यहाँ पर रुकती है, और चार प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन है, चार ट्रेन ओरिजिनेट और चार ट्रेन टर्मिनेट करती है अपने सुल्तानपुर जंक्शन से। और जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जफीराबाद की तरफ चल जाती है, और एक लाइन अपने आरे जहाँ से अयोध्या कैंट से, और एक लाइन अपने लखनऊ की तरफ चली जाती है, और एक लाइन छिलविल्ला की तरफ। गाड़ी यहाँ पर लगभग 5:23 को टाइमिंग था, 5:25 को डिपार्चर, और गाड़ी आई थी लगभग 7 मिनट डिले के साथ, 5:30 बजे, वही 5:30 बजे, और 2 मिनट का था, तो निकल चुके हैं गाड़ी देखो। गाड़ी स्लोली डिपार्ट हुई है अपनी सुल्तानपुर जंक्शन से। सुल्तानपुर का वॉशिंग पेट लाइन आ रही है अपनी गाजियाबाद के WAP-5 लोकोमोटिव के साथ अपनी गरीब रथ, और हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं अपने, और ये अपनी बनारस आनंद विहार गरीब रथ। आनंद विहार से आ रही है, वाराणसी की तरफ जा रही है। तो अपन लोग डिपार्ट हो चुके हैं अपने प्रतापगढ़ जंक्शन से, माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पार्ट हो रहे हैं भाई। गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है पापा मोवा को, और यहाँ टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है भाई, और 29 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती है, और 0 ओरिजिनेट और 0 टर्मिनेट करती है अपने पापा मोवा स्टेशन से।
हाँ भाई, अपने लक्की भाई आए थे यादव भाई। आ चुके थे प्रयाग जंक्शन, जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है प्रयाग संगम की तरफ और एक प्रयागराज जंक्शन की तरफ, तो अच्छा खासा जंक्शन पॉइंट बन जाता है भाई। यहाँ पर 47 ट्रेनें हॉल्ट करती है, 0 ओरिजिनेट और 0 टर्मिनेट करती है अपने प्रयाग जंक्शन से। ठीक है, प्रयाग 12 भी मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव ऑफ इंडिया भाई। और ये लाइन चली गई सीधे अपने प्रयागराज जंक्शन की तरफ और हम बढ़ रहे हैं अभी अपने प्रयाग संगम की तरफ। ठीक है, फाइव स्टैंड का आने का समय था 7:46 को, 7:48 को डिपार्चर, 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर और आए थे लगभग 8:14, लगभग 28 मिनट डिले के साथ और एंड करते हैं वीडियो को। और आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही होगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो कर देना भाई। और पंक्चुअलिटी तो भाई एक नंबर है क्योंकि यहाँ से अभी देखिए 8:30 बजे पहुँचा देगा अपना गाड़ी, यहाँ से 5 किलोमीटर है और लगभग 45 मिनट दिया है गाड़ी को। ठीक है दोस्तों, गाड़ी पहुँच चुकी है प्रयागराज संगम और यहाँ हरिद्वार एक्सप्रेस खड़ी है भाई। दोस्तों फाइनली गंगा स्नान करके आ चुके हैं और अब ब्लॉग ख़त्म हो रहा है प्रयागराज अपना संगम का। दोस्तों वैसे पूरा ये अभी तक पूरा काम पे ही चल रहा है, बिकॉज देखिए भाई पूरा खुला हुआ है भाई और पूरा अभी कुंभ का मेला आने वाला है ना, तो इसके लिए भाई अपना पूरा तैयारी चल रहा है प्रयागराज में अभी से ही और वहाँ मेला है वो भी इसके लिए, और लगभग 5,000 ट्रेनें यहाँ पर ऑपरेट की जाएगी तो इसके लिए प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन को भी बनाया गया है भाई। ठीक है, वीडियो पसंद आई हुई तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई सरयू एक्सप्रेस काफ़ी ठीक है, मतलब पंक्चुअलिटी का हमें लास्ट में थोड़ा ही सिलेक्ट दिया गया है, उतना तो देना चाहिए मिनिमम, और बाकी पंक्चुअलिटी ठीक है। बाकी चलिए, जय हिंद, जय श्री राम।